क्षेत्र में हुआ एक दिल दहला देने वाला मामला। दिनांक 12 अप्रैल 2021 को फरियादी अर्जुन पिता रामलाल भील ने थाने पर सूचना दी कि मेरे पिता रामलाल पिता भवनलाल भील उम्र 55 वर्ष निवासी नलखेड़ा आए दिन चरित्र शंका के चलते मेरी मां मुन्नीबाई पति रामलाल भील उम्र 50 वर्ष निवासी नलखेड़ा के साथ मारपीट करता रहता था और आज के दिन इतनी ज्यादा बात बढ़ गई कि मेरे पिता ने मेरी माँ की हत्या कर दी। रविवार की रात करीब 9 बजे हम जब खेत पर थे तब मेरे पिता रामलाल मेरी माँ के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे और गाली गलौज करने लगे। तभी मेरी माँ ने गालियाँ देने से मना किया तो पिता रामलाल द्वारा खेत पर बनी टापरी में से एक धारदार कुल्हाड़ी लेकर आए और मेरी माँ को जान से मारने की नीयत से सिर में कुल्हाड़ी से वार कर दिया और 2-3 बार बार कर मौके से फरार हो गए। कुल्हाड़ी के वार से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना प्रभारी मनासा द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए टीम गठित की गई है एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय कर आरोपी की तलाश हेतु तत्काल दबिश दी गई। पुलिस टीम द्वारा आरोपी रामलाल पिता भवनलाल भील उम्र 55 वर्ष निवासी नलखेड़ा को गिरफ्तार किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मनासा के एलदांगी ओ एल गोस्वामी रमेश मोरी और विजय गुनेरा देवेंद्र प्रिया पाटीदार व घनश्याम राठौर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ग्राम नलखेड़ा में मुन्नीबाई पति रामलाल भील जो नलखेड़ा की रहने वाली है उनकी कुल्हाड़ी से मारपीट कर उनके पति रामलाल पिता भवनलाल भील ने हत्या कारित कर दिया था, जिस पर थाना मनासा पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया है। मामले के अनुसंधान में यह तथ्य आया है कि आरोपी पति रामलाल अपनी पत्नी पर चरित्र की बात को लेकर शंका करता था और जमीन बेचने की शंका करता था, जिसको लेकर के वो पिछले एक साल से नाराज चल रहा था और इसी बात को लेकर के उसके द्वारा उसकी पत्नी की कुल्हाड़ी से सर में 2-3 लगातार धारदार तरफ से हत्या वार करके हत्या कारित किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर उसे पूछताछ की जा रही है और उसको कल न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा और घटना के क्या कारण रहे हैं और घटना किन परिस्थितियों में हुई है, इन सभी बिंदुओं पर आगे अनुसंधान करके और विवेचना पूर्ण कर आरोपी को सजा कराया जाएगा। KRN न्यूज के लिए मनासा से मनीष जोलानी की रिपोर्ट।